आरजेडी के धरना से गरमाई बिहार की सियासत। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों राजद की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था, उसमें खुद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी यादव मंच पर थे और खूब गरज रहे थे, खूब बरस रहे थे। लेकिन राजद के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन से अब सत्ता पक्ष में भी खलबलाहट तेज हो चुकी है। दरअसल राजद के इस धरना प्रदर्शन के बाद जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है और तमाम बड़े बड़े नेताओं ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और ये कहा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर विजय सिन्हा की बात करें तो विजय सिन्हा ने तो कह दिया था कि उनके शासन काल में, उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी हुई है तो वो गरीबों को हुई है और वो सबसे ज़्यादा परेशान दलितों को करते हैं। अब ऐसे में एक तरफ राजद, एक तरफ सत्ता पक्ष के तमाम नेता, राजद की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार हुंकार भर रहे हैं और उनके इन तमाम हुंकारों पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू और बीजेपी के नेता सामने खड़े हैं। बिहार में 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने समेत अन्य मुद्दों पर राजद ने बीते दिनों राज्य भर में धरना प्रदर्शन किया। पटना में तेजस्वी यादव ने इसकी कमान थामी। लालू यादव के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरे। इस पर राजनीति चरम पर है। राजद ने जहाँ केंद्र और बिहार सरकार को लपेटा तो एनडीए के घटक दलों ने इसे दिखावा करार किया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जनता ने तेजस्वी के धरना को नकार दिया तो नरेंद्र मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर गरीबों को ठगने का आरोप लगाया। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी सांसद भीम सिंह, हम के चीफ जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने रविवार को कहा कि राजद का एक दिवसीय धरना को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। ज्यादातर जिलों में राजद के अपने कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन में से दूरी बनाए रखी और कार्यक्रम स्थलों पर कुर्सियां खाली रही। ये साबित करता है कि राजद आम जनता के साथ साथ अपने लोगों का भी विश्वास खो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि 15 वर्षों तक जब बिहार में राजद का शासन था तो लालू परिवार ने कभी बिहार के दलितों, पिछड़ों व वंचितों की चिंता नहीं की। आज वही लोग प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए जातीय गणना और आरक्षण पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। राजद के इस दोहरे चरित्र को जनता बखूबी जानती है और समझती है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराकर पूरे देश में एक नजीर पेश किया है। वही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में जातीय गणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जाति जनगणना कराई, भाजपा की सरकार में ही मंडल कमीशन लागू हुआ, लेकिन ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। उन्होंने मंडल कमीशन आयोग को रद्द करवा दिया। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव उसी कांग्रेस के साथ और गरीबों को मूर्ख बना रहे हैं। वे यादव के वोट लेते हैं और उनके विरोध में काम करते हैं। एक तरफ राजद की तरफ से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आरक्षण, जाति जनगणना तमाम मुद्दों को उठाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ मोर्चा संभाला गया बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, जदयू के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, और उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी दोनों को घेरा। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।